भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता व भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की निर्दयी और भ्रष्टाचारी सरकार ने कोरोना काल में भी चावल का घोटाला कर दिया। कोरोना पीड़ितों और गरीबों का चावल घपलेबाज सरकार खा गई। केंद्र द्वारा भेजी गई अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल को भ्रष्टाचारी सरकार डकार गई। अगर हिम्मत है तो सरकार इसकी जाँच कराए और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर भी कार्यवाही करके दिखाए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार करने का संकल्प लिया है। अपने इस अभियान में कांग्रेस पार्टी ने कोरोना पीड़ित और गरीबों को भी नहीं छोड़ा। बड़ी बड़ी बातें छोड़कर मैं बहुत छोटे विषय में कहूंगा। 1 अप्रैल 2020 से 8 माह, मई 2021 से दिसंबर 2022 20 माह, कुल 28 माह में 5 किलो राज्य सरकार के कोटे से, 5 किलो केंद्र सरकार के कोटे से और 5 किलो केंद्र सरकार ने कोरोना के लिए अतिरिक्त चावल का आवंटन जारी किया था। इस अवधि में राज्य की सरकार ने कोरोना पीड़ितों को सिर्फ 10 किलो चावल प्रदान किया प्राथमिकता वाले कार्डों में। 5 किलो चावल प्रदेश की कांग्रेस सरकार खा गई, भ्रष्टाचार कर दिया। यदि हिम्मत है कांग्रेस सरकार में तो उसकी जाँच करवाए या मेरे खिलाफ कार्रवाई करे कि मैं गलत आरोप लगा रहा हूँ। इस भ्रष्ट सरकार को, कोरोना के चावल खाने वाली सरकार को, कोरोना में गरीबों के पेट मारने वाली सरकार को हटाना ही होगा।